परेड ग्राउंड में पावर शो और तैयारियां अपने अरूज पर। हमने इंतजामिया से भी बात की और इसके अलावा हमने देखा कि डिफरेंट अरकिन असम्बली अपोजिशन लीडर अली मादल शेख साहब जहां पे पहुंचे, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि अपोजिशन ने जो घड़ा हुकूमत के लिए खोदा है वो ख़ुद इसमें गिर जाएंगे और वो कामयाब नहीं होंगे। कल का जलसा एक तारीख साज जलसा होगा, वो एक नई रकम तारीख करेगा। इसके अलावा देखा जाए तो इस बड़ी तादाद उन्होंने कहा कि जो कारकुनान हैं वो काफलों की सूरत में, जलसों की सूरत में वो अपने अपने शहरों से निकल चुके हैं। डिफरेंट एमएनएस जो हैं वो उनको लीड कर रहे हैं रैलीज की काफलों की शक्ल में। कल सुबह तक सारे काफले इस्लामाबाद में इंटर हो जाएंगे और एक पावर शो का मुजाहरा किया जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जिन इंतज़ामिया की बात की जाए उनसे भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि हमारी जलसे की तैयारियां भरपूर हैं। इसके अलावा हमने देखा कि फैसल जावेद साहब जो थे वो भी वहां पे आए, उन्होंने भरपूर जायज़ा लिया तैयारियों का। मीडिया से उन्होंने भी गुफ्तगू की और देखा कि कल की इंतजामिया जहाँ पे 300 फुट का स्टेज भी जो है वो भी बना दिया गया है, इसके अलावा कुर्सियाँ जो हैं वो भी लगा दी गई हैं और डीजे सिस्टम जो है उसको भी नस्ब कर दिया गया है। अब देखते हैं कि कल का जलसा अपनी नौयत का कितना मुनफरिद जलसा होता है, क्या पीटीआई अपना ही रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी या नहीं।